एक मेरा ही जिज्ञासा है, बहुत दिनों से मैं ये जिज्ञासा लेकर चल रही हूँ लेकिन पूछ नहीं पा रही हूँ किसी से। तो हम कोरी स्लेट तो लेकर आते नहीं है, पूर्व जन्म के बहुत सारे जन्मों के कर्म हमारे साथ बंधे होते हैं। तो मान लीजिए कि हम किसी पूर्व जन्म से ही ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे हमारे पास मौका ही नहीं है कि हम अपने कर्म सुधार लें। मान लीजिए हम किसी कसाई की बात ले लें, जीव हत्या एक पाप है लेकिन वो बेचारा पैदा ही एक ऐसे घर में हुआ है जहाँ पर उसकी रोजी रोटी वही है, कर्म उसका तो वही है क्योंकि आप जो कर रहे हो आपका कर्म है, तो वो फिर कैसे उस जीव हत्या के पाप से बचेगा? ये बात बहुत अच्छी कही है और अपने आप में बड़ा गहरा प्रश्न, क्योंकि जहाँ हमारा जन्म हो गया और जैसे हमें संस्कार मिल रहे हैं, जिस तरह से हमारे अवचेतन मन को प्रभावित किया जा रहा है, हमारे चित्त के ऊपर संस्कार डाले जा रहे हैं, उससे हमारा एक व्यक्तित्व बन जाता है और हम लोग आगे चलते हुए उस तरह से उसमें शामिल हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वैसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। इसमें आपने कसाई का उदाहरण दिया, यहाँ हम उदाहरण ये भी दे सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कबीले हैं जिनके यहाँ चोरी करना उनके यहाँ परंपरा है, कहीं जगह ऐसा भी है कि जो लोग जो है वो अपराध वो भी डाका डालने का अपराध करते हैं और उनके बच्चे उसी तरह से सीख लेते हैं। कुछ वे लोग भी हैं जो आतंक की तरफ चल रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी उसी तरह सिखा रहे हैं। तो ये अपना अपने आप में अगर देखा जाए तो यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, महाभारत में एक स्थान पर एक शब्द बड़ा विचित्र कहा है, एक है पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजन। हम समाज में जीने वाले लोग हैं, एक व्यक्ति पाप करता है तो समाज को भी उसका फल भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति अगर मच्छरों को पैदा कर रहा है तो उसका परिणाम आसपास के लोगों को भी भोगना पड़ जाएगा। एक राजा या प्रशासनिक अधिकारी गलती करेगा तो बहुत लोगों को सजा भोगनी पड़ जाएगी क्योंकि आप समाज में रहते हैं। तो वहाँ प्रशासन को एक भूमिका निभानी पड़ेगी कि आप अपने बच्चों को, गलत आदमी है गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे, यहाँ प्रशासन को गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार तो दें जो उनको ऊपर उठा सके, उन्हें बुरी तरफ ना ले जाएं। इसलिए स्कूल है, इसीलिए जो है हमारी वो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो लोग गलत रास्ते पर पड़े हुए लोग हैं उन्हें सुधारने के लिए हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय और हमारे प्रशिक्षण के जितने भी संस्थान हैं वहाँ उन्हें सुधार करने के लिए कोशिश की जाती है। नशे में कोई लोग पड़ गए हैं गलत संगति से, क्योंकि माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, संगति के द्वारा हम सब लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि हम सिनेमा से, सीरियल जो टीवी पर चल रहे उससे प्रभावित होते हैं। बुराई जो है, कितने सारे बच्चों ने, लड़के पकड़े जाते हैं वो कहते हैं कि हमने फिल्म देख करके अपराध किया। तो इसलिए समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। अगर माँ बाप गलत सिखा रहे हैं तो समाज आगे आए, मोहल्ला आगे आए, प्रशासन आगे आए, गवर्नमेंट आगे आए। और फिर केवल इतना ही नहीं, यूएनओ में बैठे हुए लोग भी इस बात के लिए ध्यान दे रहे हैं कि किस जगह पर, किन प्रदेशों में, किन देशों में, किन स्थानों में किस तरह के अपराध पनप रहे हैं, हमें वहां जाकर के जागृति पैदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसलिए हमारा समस्त प्रबुद्ध समाज की जिम्मेदारी होती है। वहां हम ये नहीं कह सकते कि इनके कर्म ऐसे थे इसलिए जन्म कसाई के घर में हो गया इसलिए बेचारा कसाई का जीवन ही जिएगा, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी सबकी है। देखिए भाग्य अलग चीज है लेकिन है वो भी कर्म का परिणाम। अच्छा, कर्म जो पिछले जन्म में हमने किए उनका परिणाम ही भाग्य है। अब मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये कर्मों की थ्योरी काम कैसे करती है। समझ लीजिए कि 40% हमारा पिछले जन्म के कर्म का परिणाम भाग्य बनकर सामने आता है, 40% हमारे कर्म जो है इस जन्म के हैं, 20% हमारे जो है कृपा है समाज की, गुरु की या प्रशासन की, कि अगर एक अच्छा समाज है
और वो कोशिश करता है आपको उबारने की। आप भी कर्म कर रहे हैं, समाज भी साथ दे रहा है, प्रशासन साथ दे रहा है, गुरु साथ दे रहा है, माता पिता साथ दे रहे हैं, तो 20% वो जुड़ करके आपके 40 में आपको 60% ऊपर उठाता है। तो उसके बाद जो 40% आप दुख भोग रहे थे पिछले जन्म के कारण, कृपा मिल गई और आपको प्रेरणा मिल गई और आप अपने कर्मों को सुधार करते हैं, तो आपका वो 40% भी 30% रह जाएगा पीड़ा और आपकी जिंदगी ज्यादा सफल हो जाएगी। यदि आपको सही प्रेरणा नहीं मिली, आप अपना कर्म भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं और पिछला कर्म भी 40% आपका जो है गलत था, जिसके कारण दुर्भाग्य से आप जो है बचपन से पीड़ित हैं, तब आपके कृपा भी नहीं मिली, कर्म भी नहीं किया, प्रेरणा भी नहीं मिली, तब आपकी जिंदगी पूरी की पूरी दुख में बीती। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, हम यहाँ एक प्रश्न जरूर कर लेंगे कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, तो यहाँ ये बात जरूर आ जाएगी कि ना भाग्य बड़ा ना कर्म बड़ा। और अगर हम कहें कर्म और प्रेरणा और कृपा अगर मिल जाए, भाग्य कैसा भी हो कर्म जीत जाएगा। वाह वाह वाह, कर्म जीत जाएगा। इसलिए वेदों में एक शब्द है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। अगर मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ है, कर्म है, मेहनत है, परिश्रम है, तो सफलता बाएं हाथ का खेल जरूर बनेगी। ये वेद में लिखा अथर्ववेद में। और उपनिषद में आप देखिए, ईशोपनिषद में वहां लिखा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषदम समाह। इस दुनिया में 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, इस तरह क्या होगा, एवं तो ये नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कर्म के बंधन में तुम नहीं आओगे और अपने जीवन में कर्म को काटते हुए सौभाग्य को जगा सको। इसलिए कर्म जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल मेरा, वैसे तो काफी सारे जवाब इसी में मुझे मिल गए, लेकिन फिर भी कुछ और भी निकल कर आएगा। गुरु जी आपसे हमेशा कुछ नया मिलता है। सोसाइटी में अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, बहुत मजे में जिंदगी कट रही है उनकी, और जो बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं और अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी एक बड़ा वर्ग है जो इस बात को मानता है कि एक्चुअली ऐसा धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो बुरा करने वाले आदमी को लगता है कि शॉर्टकट यही है और इससे हम जल्दी सुखी हो जाएंगे, जल्दी खुश हो जाएंगे, और थोड़ी देर के लिए वो फलता फूलता दिखाई देता है। शुरुआत में नशा करने वाला आदमी, उसको बड़ा मजा आ रहा होता है, वो कहता है ऐश के लिए यही सब कुछ है और उसको मजा आ भी रहा होता है, और दूसरे लोग देख कर कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ता, ये अगर जो है नशा कर रहा है, ये एडिक्ट हो रहा है, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब लोग देखते हैं कि वो कितना बड़ा दुख भोग रहा है, और उसके लोग जो टोक रहे थे, रोक रहे थे, वो लोग कहते हैं अब तुम देखो तुम्हारी जिंदगी क्या है। इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो लोग ये सोचते हैं कि हम बुरा करके फल फूल सकते हैं, शॉर्टकट यही है, तो आप ये सोचिए अगर सारा समाज ऐसा हो गया उस समय क्या होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है, जैसे मैं एक विश्वविद्यालय में बहुत पहले, आज से 30-35 वर्ष पहले, युवा विद्यार्थियों के बीच में था, तो वहाँ एक विद्यार्थी ने खड़े होकर मेरे से प्रश्न किया कि एक बात बताइए कि यदि मैं चोरी करके घी चुरा के ले आऊँ और फिर उसको नियम से खाऊं पीऊं और रोज दंड बैठक भी लगाऊं, व्यायाम भी करूं, चोरी का घी लाभ देगा या नुकसान? बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि चोरी का घी जो है, जो आप खा रहे हैं और आप दंड बैठक लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, वो फायदा देगा आपको, कोई नुकसान नहीं होगा। घी तो अपना काम करेगा, लेकिन एक बात जरूर होगी कि घी उस ताकत को भी बढ़ाएगा जो आपके दिमाग में, जिससे आपको चोरी करने की प्रेरणा आई। अभी आप छोटे चोर हैं, फिर आप बड़े बनेंगे, फिर एक दिन आप जो है तिहाड़ जेल में भी बैठे हों। तो इसलिए ये मत समझ लीजिए कि फल जो है वो घी का मिलता है या नहीं मिलता, घी अपना काम करेगा, वो अलग चीज़ है,
लेकिन घी उस ऊर्जा को भी पैदा करेगा जिसके कारण आप जो है चोरी करने लग गए, तो आज छोटे चोर हैं, कल बड़े बन जाओगे।